इन भाई को पूछते हैं भाई ये रास्ता कहाँ तक जाता है। ओ ये रास्ता तो भाई कुछ अलग ही है। ओ किचड़ सेफली निकालना पड़ेगा, पिछली बार भी मैं ऐसे ही गिरा था। हट जाओ ऑटो। अभी है हम कुल्लू और कुल्लू में दशहरा है भाई, पूरा एक मंथ तक लगातार यहाँ पे शॉप लगी रहती है, तो समझ लो पूरे मंथ के लिए यहाँ पे दशहरा मनाया जाता है। दुकानें अभी भी लगी हुई है नीचे, वो देखो कुल्लू में ना बहुत सारी नई चीज़ें हो गई है, तो आज दशहरा तो नहीं देखने वाले हम लोग। हम जा रहे हैं ऊपर यहाँ से कुल्लू से अराउंड 15-20 किलोमीटर ऊपर, पूरी ऊपर पहाड़ी पे और टॉप पे जाके भाई खतरनाक ऑफ रोड एक मिला हुआ है हमें, तो बस वही जा रहे हैं। ओके तो नितिन भी अपने साथ में आया हुआ है आज, तो वैसे ही आता नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ गया। चला जाओ, आज मैंने पेट्रोल कुछ ज़्यादा डलवा दिया है, इतने की नीड नहीं थी। चलो तो यहाँ से हमने लेफ्ट लेना है ऊपर की तरफ। ओके जी लेट्स गो। बढ़िया है। ओ भाई गिरने से बच गए। क्या हुआ दिखता नहीं है ये लड़कियां ना, अगर लड़कियां या औरतें कोई भी बाइक गाड़ी कुछ भी हो ना इनके पास, सारा रास्ता जैसे नहीं का होता है। ओए बिल्कुल जगह नहीं देते ये लोग। अब बीच में चलाऊंगा मैं ऐसे। हट जाओ ऑटो। यहां से हम जाएंगे ऊपर की तरफ। ओहो पुलिस कर्मी, इनके साइड से निकलना पड़ेगा। चेक पोस्ट लगाई थी इन लोगों ने यहाँ पे, ये वाला डेंजर है थोड़ा सा। आराम से निकलते हैं। ये क्या हो गया, रेलिंग टूट गई। यहाँ पे रुक के आपको दिखाता हूँ मैं एक चीज़, वो देखो कितने पहाड़ पे बनाया हुआ है घर सारे। घर देखो भाई कैसे बना लेते हैं इतना ऊपर, वो भी 3-4 मंजिल के। वाओ ये गांव की जो फीलिंग है ना भाई वो मज़ेदार है, नेक्स्ट लेवल। इस ओ चेक पोस्ट, दूसरी चेक पोस्ट। हाँ जी सब कुछ है हमारे पास, लाइसेंस सब कुछ है, ठीक है बोल रहे निकल जाओ आगे। ओके क्या है ये, पीज और बुआई, बुआई हम इस तरफ, ये ऊपर को रास्ता जा रहा है पीज के लिए और ये है बुआई, ये है वो ऑफ रोड। ये कहाँ जा रहा है भाई, यस ये ऑफ रोड है भाई, इसमें मज़ा आने वाला है। ये काफ़ी लंबा है, आगे तक कहाँ तक जा रहा है पता नहीं, लेकिन मज़ा आएगा भाई इस वाले रूट में। इन भाई को पूछते हैं भाई ये रास्ता कहाँ तक जाता है। भाई यस कितना दूर हो गया ये, पता नहीं रास्ते का काम चला था पता नहीं क्लियर कर दिया कि नहीं। अच्छा जी ऐसे नहीं हुए, ऐसे 8-9 किलोमीटर यहाँ से, बड़े ऐसे कच्चा है ना। हाँ कच्चा तो ऐसे ही है, तब बड़े आप यहीं से है। हाँ मेरे घर। अच्छा सर चलो ठीक है भाई जी, आगे देखते हो मैसेज आगे फिर। 8-9 किलोमीटर है ना अभी, पता नहीं क्यों कहाँ तक है, चल चलते हैं। ठीक है भाई जी ओके, चलो बता दिया इन्होंने, बोल रहे थे आगे रास्ता कहीं काम हो रहा है इस रास्ते पे, क्योंकि भाई लैंडस्लाइड के टाइम पे ना बहुत सारे हमारे हिमाचल के गांव एरिया सारा लैंडस्लाइड में ही हो गया था, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे रोड भी बंद हो गए थे। ओ ये रास्ता तो भाई कुछ अलग ही है। इन रोड में तो भाई सेफली चलना पड़ेगा, अगर गलती से टायर पंचर हो गया ना यहाँ पे
लेने के देने हो जाएंगे। वो पत्थर काट के बनाया हुआ है पूरा रास्ता। यहाँ पे देखो वाटरफॉल, वाटरफॉल ही बोले इसको, छोटा सा वाटरफॉल। वो कीचड़ सेफली निकालना पड़ेगा, पिछली बार भी मैं ऐसे ही गिरा था, गिर गया। नितिन बच गया। चलो चलो चलो, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मेनली हम उस वाले रोड में थे, वो रास्ता ठीक है, वहाँ से हमने ये वाला रास्ता ले लिया है। और इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, और इसके बाद में पार्ट टू आप देखोगे अल्टीमेट ऑफ रोडिंग, और पार्ट टू में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार ऑफ रोड देखने को मिलेगा। और यहाँ तक तो हम लोग आगे हैं, अब आगे का पता नहीं है, हमें नितिन को भी नहीं पता। और पीछे हमने एक भाई को पूछा हुआ था, उन्होंने कहा कि आप आगे जा सकते हो, 10 किलोमीटर का अप्रॉक्स ये ट्रैक है, तो आप जा सकते हो। बाकी स्टे ट्यून्ड, वेट फॉर पार्ट टू।